अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। महर्षि बदायूनी का ये शेर है। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। कहते हैं बच्चों के लिए माता पिता सबसे बड़ी सीख होते हैं, और माता पिता अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करते हैं। अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन हो या अपनी ज़िंदगी में कुछ भी लाना हो, कुछ भी करना हो, कितनी मेहनत करनी हो, कहते हैं कि माँ बाप भले ही भूखे सो जाएं लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रखते हैं। मैं इसलिए माँ बाप की बात कर रही हूँ क्योंकि जो राजनीति है हमारी, इसमें बहुत से माता पिता भी राजनीति में हैं, उनके बच्चे भी राजनीति में हैं। माँ भी बहुत बेहतर काम कर रही हैं, बेटे भी अच्छा काम कर रहे हैं, बेटियाँ भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को लेकर। दोनों ही माँ बेटे राजनीति में अपना अपना परचम लहरा रहे हैं, दोनों ही माँ बेटे अपना बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, भले चाहे पीलीभीत से चुनाव लड़ें या सुल्तानपुर से चुनाव लड़ें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दोनों ने खुद को बतौर राजनेता जनता की नज़रों में पाक साफ साबित करने की पूरी कोशिश की है। इस बार सुल्तानपुर से मेनका गांधी जीती हैं तो पीलीभीत से वरुण गांधी जीते हैं, और ऐसे में अगर मैं मेनका गांधी के कामों का जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं मेनका गांधी बहुत आगे निकलती हुई नज़र आ रही हैं। जाहिर सी बात है, माँ हैं वो और परिपक्व हैं, अनुभव है, वरिष्ठ नेता हैं, तजुर्बा है ज़िंदगी का, तो जाहिर सी बात है बेटा तो पीछे रहेगा ही। यानी किसी भी मायने में मेनका गांधी ने वरुण गांधी को बख्शा नहीं है। क्यों नहीं बख्शा है वो मैं आपको बताती हूँ। सुल्तानपुर में 2014 में वरुण गांधी को यहाँ से टिकट मिला, उन्होंने जीत दर्ज की। पीलीभीत से मेनका को टिकट मिला, मेनका गांधी ने जीत दर्ज की 2014 में, लेकिन 2019 में सीट को एक्सचेंज कर दिया गया। मेनका को सीट दी गई सुल्तानपुर की और वरुण गांधी को सीट दी गई पीलीभीत की। अब ऐसे में पीलीभीत में वरुण गांधी गए थे अभी बीते दिनों दौरे पर, उन्होंने वहाँ पर जनता से संवाद स्थापित किया था, लेकिन उन्होंने अभी कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी चर्चाएँ बहुत ज़्यादा जोरों शोरों पर हों। लेकिन मेनका गांधी सुल्तानपुर दूसरी बार गई इसी महीने में, जून महीने में वो दूसरी बार दौरे पर गई, और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह के वो काम कर रही हैं, जिस तरह से लोकार्पण कर रही हैं, जनता से मुलाकात कर रही हैं, उनके जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे साफ साबित हो रहा है कि वो बहुत आगे निकल रही हैं। और आगे निकल रही हैं यानी कि वरुण गांधी भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन बतौर सांसद सुल्तानपुर से कभी हमने उनकी इतनी चर्चाएँ नहीं सुनी हैं जितनी कि हम मेनका गांधी की सुन रहे हैं। बतौर सांसद तो वरुण गांधी भी सुल्तानपुर से रह चुके हैं, लेकिन उनकी इतनी खबरें नहीं आई, उनके इतने वीडियोज़ नहीं आए, उनकी इतनी बातें नहीं हुई, उनकी इतनी चर्चाएँ, इतनी सुर्खियाँ नहीं बनी जितनी कि मेनका गांधी की बन रही हैं। यानी कि हर कदम में कहीं ना कहीं हर जगह मेनका गांधी जो हैं अपने बेटे को एक सीख देती हुई नज़र आ रही हैं, और मेनका गांधी अपने बेटे वरुण गांधी को फेल भी कर रही हैं। जाहिर सी बात है ये सकारात्मक तरीके से है, लेकिन कहीं ना कहीं फेल करते हुए नज़र आ रही हैं। और मेनका गांधी जिस तरह से काम कर रही हैं सुल्तानपुर में, से वरुण गांधी को बहुत कुछ अभी सीखना होगा कि कैसे जनता से संवाद स्थापित करना है, कैसे जनता की नब्ज़ को पकड़ना है, जनता के बीच जाकर उनकी तरह ही रवैया करना है, ना कि हम राजनेता हैं उस तरह से रवैया करना है। वैसे वरुण गांधी की खासियत यह है कि जब वो सांसद थे सुल्तानपुर के, तो उन्होंने सांसद निधि की सारी जो राशि थी वो दान कर दी थी, उन्होंने एक पैसा भी नहीं रखा था, और जो भी फंड था उन्होंने विकास में लगा दिया था। इससे बड़ी बात क्या है। हालांकि उनकी कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसको लेकर काफ़ी आपत्ति दर्ज कराई जाती है, क्योंकि अभी इसी साल लोकसभा चुनाव जो हुए अभी बीते महीने में, उससे पहले वो उन्होंने एक अपनी माँ के लिए चुनाव प्रचार किया था सुल्तानपुर में। उन्होंने कहा था मैं संजय गांधी का बेटा हूँ और ऐसे लोगों से जूते के फीते खुलवाता हूँ, तो बहुत सी बातें हैं। और उन्होंने कहा था सोनू मोनू टोनू से डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत सी ऐसे उनके ऐसे बयान हैं। हालांकि इसे वरुण गांधी को हम इसमें लिस्टेड नहीं कर रहे हैं, वरुण गांधी की बात नहीं कर रहे, फेरिस्ट बहुत लंबी है, इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, और फिर हम बात करें बाकी नेताओं की तो हर पार्टी के नेता कहीं ना कहीं उलझुल बयान देते हैं, लेकिन जो मेनका गांधी और वरुण गांधी की इच्छा भी सियासत में है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि जनता एक बेहतर राजनेता चाहती है, जनता बहुत इंस्पायर होती है भाषाओं से भी, तो अगर भाषाएं अगर सियासी राजनेता सबसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कम से कम राजनीति चमकाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए तो ही बेहतर होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मेनका गांधी जिस तरह से जून महीने में दूसरी बार दौरे पे पहुंचे सुल्तानपुर, वहाँ पे उन्होंने कई सौगातें दी हैं सुल्तानपुर की जनता को, वहाँ पे जितने गांव हैं उसमें अधिकतर गांवों में वो गई, जनता से संवाद स्थापित किया, इसके अलावा पशु प्रेम उनका देखने को मिला, लगातार वो जनता के बीच जाकर जिस तरह से अपनी बातों को रख रही हैं, जो वहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं उसको दुरुस्त करने की बात कर रही हैं, महिलाओं के हक में आवाज़ उठा रही, मतलब एक
उनको जैसे ही कमान मिली उन्होंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। और जनता यही चाहती है कि आप अगर यहाँ हमने आपको चुनकर संसद भेजा है तो आप आके हमारी फरियादों को सुनिए, हमारी मुश्किलों को सुनिए। वो कहीं ना कहीं इसमें मेनका गांधी हमेशा आगे रही हैं, शायद यही वजह है कि वो आठवीं बार सांसद बनी हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात में जाहिर सी बात है इसमें मेनका गांधी जो है वरुण गांधी से काफ़ी आगे निकल रही हैं। वरुण गांधी को काफ़ी सीखने की ज़रूरत है अपनी माँ मेनका गांधी से, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि वरुण गांधी को बहुत आगे जाना है, क्योंकि मेनका गांधी की ख्वाहिश ये भी है कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें। और ऐसे में मुख्यमंत्री बनने की अगर चाहत वरुण गांधी के अंदर है तो उन्हें और ज़्यादा मेहनत अभी करनी होगी ताकि वो बहुत बेहतर काम कर सकें। और बेहतर अगर काम करेंगे तो जाहिर सी बात उनको बेहतर नतीजे मिलेंगे। हालांकि अभी तक तो लगता नहीं पार्टी आला कमान से उनको कोई बेहतर नतीजे मिलने की कोई दरकार नज़र आ रही है, क्योंकि 2014 में जीते थे, उससे पहले भी जीते हैं और 2019 में भी जीते हैं, लेकिन आज तक उनको कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया। जबकि मेनका गांधी कैबिनेट का हिस्सा बन चुकी हैं लेकिन आज उनको कभी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर मेनका गांधी जिस तरह से सुल्तानपुर में काम कर रही हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, उतना प्रचार प्रसार हमने वरुण गांधी के बारे में नहीं देखा था। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मेनका गांधी ने वरुण गांधी को भी पीछे कर दिया है। नमस्कार।